यदंग हृद्यान समाधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्त चेतत् कवयो यथास्त्वं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गीता ज्ञान गंगा प्रवाह के 21वें पुष्प को श्री राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित करेंगे। प्रिय बंधुओं, जैसा कि हमने सुना कि पूर्व के श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि जैसे ही अर्जुन ने कौरव सेना को तैयार होते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत धनुरुद्यम्य अपना धनुष उठा लिया। धनुष उठाने का कारण आपको पता है कि यद्यपि भगवान पितामह भीष्म ने जो शंख बजाया था वो दुर्योधन के डिप्रेशन को, दुर्योधन के घबराहट को, दुर्योधन के भय को समाप्त करने के लिए बजाया था। उनका उद्देश्य ये था, किंतु कौरव सेना ने यह समझ लिया कि पितामह भीष्म ने युद्ध के आरंभ की घोषणा कर दी। तो ऐसी सेना ने जब अस्त्र शस्त्रों को तैयार कर लिया तब अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को उठा करके क्या किया यह स्पष्ट करते हुए संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाहमहीपते अर्जुन उवाच सैनयोर्भयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युतः। तदा तब, कब? जब अर्जुन ने कौरव सेना को युद्ध के लिए प्रवृत्त देखा तब उन्होंने भगवान ऋषिकेश से ये वचन कहे कि हे ऋषिकेश, हे अच्युत, आप मेरे युद्ध को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। सैन्योर व्यो मध्ये स्थापय, आज्ञा दी स्थापय कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में आप खड़ा कीजिए। यहां संजय ने धृतराष्ट्र से भगवान के ऋषिकेश नाम का उल्लेख किया। मित्रों, कारण जो संपूर्ण, जो समस्त इंद्रियों के ईश्वर हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन के सारथी हैं तो धृतराष्ट्र तुम कहां सोच रहे हो युद्ध में विजय के लिए? कैसे तुम्हें विजय प्राप्त हो सकती है जब स्वयं ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं? और अर्जुन भगवान को आदेशित कर रहा है, ये सामर्थ्य उसको कौन प्रदान कर रहा है? केवल एक भक्ति। भगवान का स्वयं कथन है, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन रहता हूं। अर्जुन परम भक्त हैं, वो भक्ति ही उनको ऐसा सामर्थ्य प्रदान कर रही है कि वो भगवान को आदेशित करें कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में आप खड़ा कीजिए। और यदि भगवान यह कहें कि अर्जुन तो क्या कह रहा है, दोनों सेनाएं इतनी पास खड़ी हुई हैं कि एक दूसरे के ऊपर बाण चला सके, उनकी अब दूरी नहीं है, ऐसे समय में यदि तू मुझे उनके बीच में जाने के लिए कह रहा है रथ को लेकर के, तो हो सकता है कौरव सेना मुझे रथ से गिरा दे। तो भगवान ऐसा कहें, इससे पहले ही अर्जुन ने भगवान का एक नाम लिया मित्रों, अच्युत। भगवान कभी भी देश, काल, परिस्थिति, स्थान से च्युत नहीं हो सकते, वो सामर्थ्यशाली हैं। इसलिए अर्जुन उनको प्रसन्न करने के लिए अच्युत शब्द का प्रयोग करता है कि महाराज, किसी में सृष्टि में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जो आपको आपके स्थान से च्युत कर सके।
इसलिए आप इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए। जिस इस प्रकार इस 21वें श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को अर्जुन ने क्या किया वो बताया। सैन्योर बहुर्मध्य, यह जो सैन्योर बहुर्मध्य है मित्रों, यह गीता में 3 बार आया है, 2 बार प्रथम अध्याय में और 1 बार द्वितीय अध्याय में। जब प्रथम सैन्योर बहुर्मध्य जो ये वाक्यांश है उसमें अर्जुन की दशा मनोदशा कैसी वीरता से युक्त है, द्वितीय मैं वो कहता है कि मेरी रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करो, माने उसके अंदर इच्छा थी उस समय, उसकी मनोदशा ये थी कि मैं अपने बंधु बांधवों को देख लूं कौन मुझसे युद्ध करना चाहता है। और तृतीय सैन्योर मध्य जब स्थिति आती है द्वितीय अध्याय में, तो वह विषाद से युक्त है, वो डिप्रेशन में है, उसे सूझ नहीं रहा कि मैं क्या करूं। मानो जब वो अपने परम पराक्रम स्थिति में है, द्वितीय में वो मोहग्रस्त है, तृतीय में तो गीता का उपदेश ही शुरू हो गया, गीता का ज्ञान भगवान ने प्रारंभ कर दिया सेनाओं के मध्य में ही। पर एक अच्छी बात है, इन तीनों स्थितियों में अर्जुन के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। मित्रों, हम जीवन के किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे हमारे जीवन की उच्चतम अवस्थाओं में हम स्थित हों अथवा हम संघर्ष कर रहे हों, और उन संघर्षों के परिणाम स्वरूप भी हमारी स्थिति अच्छी न हो, पर इन तीनों समयों में हमें कभी भी अपने इष्ट को, अपने गुरु को, अपने माता पिता को, अपने स्वजनों को, स्वजन के कहने का मतलब हमारे सच्चे स्वजन तो ये सांसारिक स्वजन नहीं है, वह श्री कृष्ण ही है, वो राधा कृष्ण ही है, मेरा भाव यह है, उनका स्मरण रहना चाहिए। अर्जुन ने वो नहीं छोड़ा कभी भी। तो इसी प्रकार हम अपने जीवन की महाभारत में कभी ईश्वर का स्मरण न छोड़ें, जो भी अपने संस्कार धर्म और स्थिति से मिले हुए हों, तो हमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी, जैसा कि अर्जुन को प्राप्त हुई। इस प्रकार यह 21वें पुष्प को श्री राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।